तो आज के इस वीडियो में हम FRP के बारे में जानेंगे और हार्ड रिसेट के बारे में जानेंगे। तो आज ये हैंडसेट आया है आईटेल का, जिसका मॉडल नंबर है A41। इसके अंदर सिक्योरिटी लॉक डाला गया है, तो वो सिक्योरिटी लॉक निकालना है हमें। तो उसके लिए हम पहले इसे हार्ड रिसेट करेंगे और उसका क्या प्रोसेस है वो देखेंगे। हार्ड रिसेट करने के लिए इसे क्या करना है तो देखते हैं। इसमें इसको ऑन होने देते हैं, लॉक इसका चेक कर लेते हैं। इसमें पैटर्न लॉक डाला हुआ है और वो पैटर्न अब याद नहीं आ रहा है, तो उसे खोलना है। तो देखिए इसमें पैटर्न डाल रहे हैं लेकिन पैटर्न खुल नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले इसे हम पावर ऑफ करेंगे। ठीक है, पावर ऑफ करने के बाद बैटरी एक बार निकाल के वापस डालेंगे। देखिए आईटेल का ये A41 मॉडल है जिसको हम आज हार्ड रिसेट करेंगे। तो बैटरी निकाल के डालने के बाद पावर बटन और वॉल्यूम प्लस बटन, वॉल्यूम प्लस बटन और पावर बटन को साथ में दबा के रखना है इस तरह से। और जैसे ही आपका हैंडसेट ऑन हो जाता है तो पावर बटन को छोड़ देना है, सिर्फ आप वॉल्यूम बटन दबा के रखेंगे। उसके बाद देखिए ये आपका इस मोड में चला जाएगा। और इस मोड में देखिए आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है रिसेट करने के लिए, तो इसके नेक्स्ट पेज में है वो। तो नीचे आप जाते रहिए, यहाँ पे देखिए आपका फैक्ट्री रिसेट का जो ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जाके हम वॉल्यूम अप बटन जो है, इसका ओके बटन है, वॉल्यूम अप बटन दबाएंगे जिससे ये रीसेट हो जाएगा। वॉल्यूम अप बटन दबाते ही अब इसका आपका मोबाइल रीसेट, ये देखिए। तो ये रीसेट करने से पहले मतलब इसके जो डेटाज हैं वो सारे डिटेल्स इरेज होने वाले हैं, ये बता दीजिए। जिसने भी मतलब जो पासवर्ड डाल के जो भूल गए हैं उनको बता दीजिए कि जब हम वाइप करेंगे तो इसके अंदर जो पुराने डेटाज हैं वो आपके सब चले जाएंगे, वो अभी इरेज हुआ अभी। तो अब देखिए इसका जो पैटर्न था वो जा चुका है। स्टार्ट करके देखते हैं अभी। चालू होने में थोड़ा समय लेता है हैंडसेट। एक बार इरेज होने के बाद में जो फाइलें हैं इसकी वापस से रिस्टोर होती हैं, इसलिए थोड़ा ये समय लेता है। ये देखिए आपका पीस ऑन हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है वाईफाई, वाईफाई के आगे आपका पीस जा नहीं रहा है, मतलब आपका मोबाइल जा नहीं रहा है। तो इसके लिए हम अगला मतलब इसको कैसे करना है, अब इसके आगे नहीं जा रहा है। तो जो अब लेटेस्ट 4G हैंडसेट आ रहे हैं उसमें ऐसा है कि जब तक आप FRP मतलब आपका जो फैक्ट्री रिसेट प्रोटेक्शन दिया गया है सारे हैंडसेट में, तो इसमें आप वाईफाई से कनेक्ट करके अपना अगर पुराना ईमेल आईडी डालेंगे तो ही ये हैंडसेट आगे जाएगा। तो अगर आप पुराना ईमेल आईडी भूल गए तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है हम देखते हैं आगे। ठीक है, तो हम अब दोस्तों देखते हैं इसका जो FRP वो हमें किस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले इस नेक्स्ट करेंगे हम। ठीक है, FRP निकालने के लिए वाईफाई से कनेक्ट होना ज़रूरी है हैंडसेट यहाँ पे।
कुछ भी इस तरह से टाइप कर देंगे और इसे दबा के रखेंगे। ठीक है, असिस्ट वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से नहीं हो पा रहा है तो बैक जाएंगे। एड अनदर नेटवर्क, यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं अभी गूगल सर्च में। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले गूगल अकाउंट मैनेजर ऐप ऐप 6.0.1 सेलेक्ट करना है। मैं आपको बता दूँ यही अपने को क्यों सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है, वो भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से सॉफ्टवेयर वर्जन चेक करने के लिए हम असिस्ट में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग में जाकर अबाउट फ़ोन में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे इसका जो एंड्रॉयड वर्जन है ये देखिए 6.0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अकाउंट जो अपना अकाउंट मैनेजर है क्रोम में जाकर डाउनलोड करेंगे। सिक्स पॉइंट जीरो, ठीक है, यहाँ पे अपडेट परमिशन मांग रहा है, इसे ओके कर देंगे और फाइल को अलाउ कर देंगे। ठीक है, अभी डाउनलोडिंग के लिए मांग रहा है, यस कर दिया। जैसे ही आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा और उसे ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, गूगल अकाउंट मैनेजर को अननोन सोर्सेस को ऑन करेंगे, गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल कर लेंगे, एक्सेप्ट। इंस्टॉल होने के बाद डन कर देंगे, उसके बाद फिर से हम बैक जाके क्विक शॉर्टकट मेकर इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोडिंग के लिए पूछ रहा है, ओके, इसको ओपन करेंगे और क्विक शॉर्टकट मेकर को इंस्टॉल कर लेंगे। ओपन करने के बाद गूगल जो हमने अभी इंस्टॉल किया था अकाउंट मैनेजर, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड,
जिस भी ऑप्शन में लिखा है टाइप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, इसे ओके करेंगे। ट्राई करके यहाँ से जो आपको ईमेल आईडी दूसरा कोई भी याद है वो डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, लॉगिन होने के बाद इसे लॉगिन होने दीजिए। ये आपका लॉगिन हो गया है। यहाँ से यहाँ पे हम हैंडसेट को रिबूट कर लेंगे लॉगिन होने के बाद। रिबूट होने में थोड़ा समय लगेगा। ये देखिए अभी बंद हो गया, आपका हैंडसेट चालू हो रहा है। हैंडसेट आपका ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्किप आ गया है। आपका अकाउंट ऐड हो चुका है। ये थोड़ा समय लेगा। प्रोसेस कंप्लीट होने में ठीक है, अब आपका नया ईमेल आईडी इसमें ऐड हो चुका है। स्किप करके ये देखिए आपका आंसर जो अभी ऑन नहीं हो रहा था, वाईफाई पे रुक गया था, पूरी तरह से ऑन हो गया है। ठीक है, तो इसे आप अब अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।